Hello guys, this is Jibran Sayyed. And I'm Asma Sayyed. Welcome to Al Safal Portugal Immigration Consultancy. हमारे चैनल पे और हमारी वीडियोस में आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट लीगल एडवाइस हमारे चैनल पे आपको मिलती है तो आपका कोई भी सवाल हो पोर्चुगल से रिलेटेड पोर्चुगल की इमिग्रेशन से रिलेटेड पोर्चुगल के आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड और यहाँ पे रहना विद फैमिली विदाउट फैमिली अब आपको तफसील से हमारे चैनल उसको बताते हैं हमेशा हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं ताकि आपको इजी हो जाए यहाँ के प्रोसेस को समझने के लिए और आपके लिए लाइफ थोड़ी सी सिंपल बन जाए वहाँ से बैठे बैठे आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए हमारी कोशिश यही होती है कि हम सबकी ये हेल्प कर सके कि आप यहाँ पर आके क्या करना चाहिए आपका दिमाग एकदम ब्लाइंक होता है कभी कभार क्या आपको यहाँ पर आकर आर्टिकल एटी में जाना है जॉब करना है कंपनी करना है तो ये आपकी मदद और ये आपके लिए एक ईजी होने के लिए हम आज का एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाए है कंपनी फॉर्मेशन कंपनी आप यहाँ पर पोर्चुगल में अपने कैसे स्टार्ट कर सकते हैं नॉट जस्ट कंपनी आप कोई भी बिजनेस यहाँ पर आप कैसे कर सकते बेल्कुल, हैं बेल्कुल, वो फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या क्या आपको पेपर वर्क की जरूरत है तो उस बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी और सिंपल मेथड और आसानी से हम आपको समझाएंगे कि कंपनी आपको कैसे यहाँ पे स्टैब्लिश करनी है ये वो लोगों के लिए है जो कि बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर एज ए ब्रांच शुरू करते हैं तो कंपनी फॉर्मेशन आर्टिकल 89 वालों के लिए होती है जो भी लोग आर्टिकल 89 में कर रहे हैं उसकी कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं आज दो तीन हम आपको बिजनेस भी बताएंगे कि आप इजिली यहाँ पे आने के बाद क्या शुरू कर सकते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी है मेरे ख्याल से दस अंदर अंदर हजार है आप अगर एटी एट में जाते हैं तो आपको एज यू नो कि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कंपनी फॉर्मेशन में ये मसला आपके साथ नहीं है आप बहुत कम पैसों में अपना यहाँ पर एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप कोई भी मतलब आप डोनर कबाब शॉप डाल सकते हैं या आप एक सैलून डाल सकते हैं या फिर आप मोबाइल शॉप डाल सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कम बजट में यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको किसी और की आगे हाँ हाथ फैलाने की डिपेंड रहने की या उसके आगे दबने की आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है हमारे दिमाग में एक माँग, माइंडसेट बना हुआ है कि यहाँ पर जाना है तो कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदना है जॉब ही ढूंढना है आपको एग्रीकल्चर में काम करना है बिना मेहनत के बिना ये सारी चीज़ों के बिना धक्के खाए हुए आप ये शॉर्टकट अपना सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे है कि आप यहाँ पर ओपन exactly. एग्जैक्टली exactly. ये वो लोगों के लिए है जिसके पास कुछ सेविंग हो कुछ हकीकत में इंडिया पाकिस्तान और दुबई सऊदी वगैरह में अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस हो जैसे रेस्टोरेंट हो और कोई भी बिजनेस आपका हो वो एज ए ब्रांच लाने के लिए आ रहे हैं या फिर अगर नहीं भी है आपका बिजनेस आइडिया है आपके पास अगर बिजनेस माइंड है आपका और आप बिजनेस करना चाहते हैं कम पैसों में तो यहाँ पे आने के बाद मेरे हिसाब से मैं एडवाइस करता हूँ ज़्यादातर अपने लोगों को अपने कस्टमर्स को एडवाइस करता हूँ कि कुछ सेविंग है आओ अपना बिजनेस शुरू करो उसमें फ़ायदा यह हो जाता है कि आप खुद अपनी कंपनी का टैक्स पे करते हैं और आगे जाके फिर आप ओ टी आर से भी जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं बिकॉज यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस जॉब में ये चीज नहीं होती है नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि कंपनी फॉर्मेशन कैसी होती है कंपनी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो पहला डॉक्यूमेंट है सबसे पहला डॉक्यूमेंट है निफ़ आपके पास अगर निफ होगा तो आपकी कंपनी खुलेगी अगर निफ नहीं बनेगा निफ इज टैक्स नंबर जिसे फाइनेंस नंबर भी कहते हैं और का नंबर भी कहते हैं तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको जो लेना है वो है निफ का नंबर दूसरा आपको लेना है निस्क का नंबर निस्क का नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी हम आपकी कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं तीसरी चीज है आपका एड्रेस एड्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेस के बिना क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन वही एड्रेस पे आपकी कंपनी खुलेगी आपके पास अगर एड्रेस होगा तो कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी एड्रेस नहीं होगा तो फिर कंपनी नहीं खुल सकती यहाँ पे फिजिकल लोकेशन या फिजिकल ऑफिस आपको लेना जरूरी नहीं है आप वर्चुअल भी आप अपना काम कर सकते हैं वर्चुअल ऑफिस भी ले सकते हैं आपका जो घर का जुमता है आपका घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एड्रेस पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते फोर्थ चीज़ जो आपको जरूरत है वो है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप आते ही आप अपने नाम पे एक नंबर रजिस्टर कर लिए यहाँ पे कंपनी है बहुत मशहूर लाइका चीजों में उसका सिम कार्ड मिलता है उसके अंदर क्रेडिट भी होती है आप इसके वेबसाइट पे जाके आप अपने निफ के नंबर के साथ देखिए हर जगह निफ जुड़ा हुआ है निफ नंबर के साथ पासपोर्ट नंबर के साथ आप वो लाइका को अपने नाम पर आप रजिस्टर कर सकते हैं तो नंबर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर के बिना फिर कंपनी नहीं बनेगी मतलब जो जो चीजें मिस होंगे उसमें आपको फिर रुकावट होगी और डिले होगा तो चौथा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पाँचवा जो डॉक्यूमेंट है और पाँचवा जो स्टेप है डॉक्यूमेंट नहीं कहूँगा मैं उसको आपका है ई एड्रेस आपका पर्सनल ई एड्रेस होता है क्योंकि वही ई एड्रेस पर फिर आपकी कंपनी रजिस्टर होती है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाई ई आपको आपके ईमेल एड्रेस पे आएंगे यू विल रिसीव ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द ईमेल एड्रेस तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस देना होता है सो दिस प्रोसेस गोज थ्रू आवर लॉयर और हमारा लॉयर सब प्रोफाइल और सब हम लोग ऑफिस में यहाँ पे कंपाइल करते हैं सारी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर जो यहाँ का अदारा है यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पर रजिस्टर करते हैं कंपनीज वहाँ पर जाके फिर सबमिट करते हैं आपके दस्तखत आपके सिग्नेचर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे एक तो पावर ऑफ टर्निंग होगा जो आप देंगे हमारे लॉयर को और लॉयर आपके नाम पे एक कंपनी खुलाएगा छठवा और मेरे ख़्याल से छठवा जो बहुत ज़्यादा अहम है वो है कंपनी का नाम कंपनी का नाम आपको सोचना है एडवांस अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी कोई और मुल्क में खुली हुई है और आप सेम नाम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को आपको एक्स्ट्रा डेफिनेटली पैसे पे करना होता है तो इंटायर पैकेज हम आपको बताएंगे जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे या फिर आप हमें ईमेल करेंगे जो भी तरीके से आप हमें कांटेक्ट करेंगे वैन एवर यू कॉन्टैक्ट लेट यू नो व्हाट्स द कॉस्ट एंड द चार्जेस फॉर कंपनी फॉर्मेशन मेरे ख्याल से लेकिन बहुत सस्ते में कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है बेहतर ये कि आप आर्टिकल एटी एट में खुदा खास अगर जॉब नहीं मिलती तो यहाँ पे कई सारे लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बेचते हैं पच्चीस सौ तीन हजार दो हजार तक भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसके लिटरली आधे पैसे में आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है एक कैपिटल अमाउंट भी बताना पड़ता है तो आप वो अमाउंट तो तो अपने कंपनी अच्छा, जब आपकी बन जाएंगी तो सबसे पहला करना है आपका बैंक अकाउंट बनाना नहीं जब आपका बैंक अकाउंट बताएगी तो काफ़ी स्मूथली बन जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंपनी के पेपर्स होंगे ऐसे ही क्यूज में कोई पर्सन जाता है तो उसका बैंक अकाउंट बनने के लिए बहुत टाइम लगता है यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं टी नहीं होता है तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बैंक चलाता है कि आपके पास टीआरसी है इसीलिए उस वजह से आपका अकाउंट बहुत मुश्किल से बनता है लेकिन जब आप अपनी कंपनी ऑफ कमीशन दबाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बहुत स्मूथली बन जाता है विद इन वन टू डेज आपका अकाउंट फुल जाता है जब आप अपना मैं अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको कैपिटल अमाउंट रखवाना पड़ता है। तो कैपिटल अमाउंट हाँ आपको टेन थाउजेंड भी होगी वो करना है ही हम एडवाइस करते हैं कि आप जितना बताएंगे क्योंकि आप एक कंपनी जाहिर से बाउंड अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं तो आपके पास कुछ सेविंग तो आप वो अमाउंट अपना पूरा बैंक में डाल दिए उनको बताए कि आप उसने आपका ये जो बिजनेस है सेटअप करने वाले नहीं या फिर ये हम सजेस्ट करते हैं या फिर आप फाइव थाउजेंड ऐसा कोई फिक्स अमाउंट देंगे कि आपको बैंक में उतने ही ट्रांसफर करने हैं लेकिन हम रिकमेंड करते थे कि जितनी सेविंग है

कि इतना डाल रहा है या इतना डाल लेकिन जितनी बड़ी कंपनी डेफिनेटली उतना बड़ा अमाउंट बता रहा है जितनी छोटी कंपनी या उतना छोटा बताए पाँच हज़ार मिनिमम मेरे चांस से तो पाँच हज़ार से आप शुरू कर सकते हैं फिर कोई फिर नहीं चाहे आप हर बैठे काम करें चाहे आप ऑफिस लें या स्टोर लें अच्छा उसके लिए जरूरी ये है कि आपको दुकान या स्टोर या ऑफिस लेना ये नहीं है मैड यू कैन वर्चुअली वर्क फ्रॉम योर जो भी आपने एवेस्ट दिया हुआ है वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं

उसमें एक्टिविटीज एक अलग अलग एक्टिविटीज डाले आई I मीन mean, दस डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज डाल रही है जैसे कि हमने अनसफर इस्तेमाल कियासफ़र के नाम पर रेस्टोरेंट भी है नाम पर टी वी डी कंपनी भी है अलसफर के नाम पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग है आपका सैलून है नई सैलून है वीडियो पा है हमने कई सारी चीज़ें हम असफ़र के नाम पर शुरुआत में यही करना अच्छा मानता है क्योंकि आपको वही कॉस्टिंग में जो प्राइस होती है वही प्राइस में आप वो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ एडअप हो जाती है उसके बाद आप जाके उसको फिर आक, बाद में अगर आप वाकई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वाकई में वही नाम पे एक सलू खोला चाहते हैं तो फिर हमारे अकाउंटिंग के थ्रू वो चीज़ को एक्टिव कर सकते उसके कोई एक सौ चार होते हैं लेकिन अलबत्ता आप अगर बाद सोचेंगे सिर्फ आप सिर्फ रेस्टोरेंट लानेंगे

आप अपने दिमाग में बिजनेस सोच के बिल्कुल अगर नई कंपनी तो है नई तो कंपनी अगर नई कंपनी तो है तो फिर नया नाम सोच के रखिए डेफिनेटली अगर आप ब्रांच को नए तो आपको वही नाम भी कोशिश करनी पड़ेगी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खुल के उसके अंदर थोड़ा आ, आ, आगे पीछे नाम आगे पीछे तो हो सकता है सब कुछ हो सकता है लेकिन नाम अगर आपको अगर आज को है तो डेफिनेटली आपको वही नाम लेना पड़ेगा लेकिन अगर नए न्यू स्टार्टअप अगर नए बिजनेस

बहुत कम पैसों में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल शॉप डाल सकते हैं आप यहाँ हमारा आप बहुत मैमारी तरफ से मेरे ख्याल तो तो से दो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जबकि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चलेगी एक तो अपना पाकिस्तानी सूट लीडीज़ का सूट ठीक है कई सारे इंडियन पाकिस्तानी है और यहाँ पर पाकिस्तानी सूट भी मैंने कहीं बिक ही नहीं तो पाकिस्तानी पाकिस्तान अगर आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं सकते हैं तो बहुत मदद दूसरी चीज़ एक है कि जो हमारे मस्तक है वो वेप वेप का इंड शोरूम लाने वाला है तो वेप डेफिनेटली हम वेप वगैरह को प्रमोट नहीं करते हैं लेकिन आइडिया अच्छा है और अच्छा नहीं यहाँ के हिसाब से यहाँ के माहौल के हिसाब से टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहा है तो मेरे चाल से चलने वाले बजस है पाकिस्तान है आपको अपनी तरफ से तो आप दोनों कबाब की डाल सकते हैं हरान डोनर कबाब डाल सकते हैं हलान नीट शॉप डाल सकते हैं ये काफ़ी सारे ऐसे छोटे वाले बजट कम वाला कब जब अगर बजट है तो ये बहुत सारे आपका ऑप्शन है अच्छा आपका थोड़ा सा ज़्यादा से बजट का आप एक में भी डाल सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं अब आठ जॉब जिनके पास पैसा है वो यहाँ पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते आप सरफे और अगर आप सिंगल ओनर हैं तो सिंगल ओनर पेरियड्स अलग है उसके साथ साथ फिर एक और डॉक्यूमेंट हम पूछेंगे कि आप अगर शादी शुदा है या नहीं थे तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए शो करने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए अगर आप ऐसा जाए तो फिर उसकी फीस बढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए दूसरी चीज़ है अगर आप पार्टनर्स है चार पाँच पार्टनर्स है चार पाँच पार्टनर्स के सेम लगे कि सबकी निफ लगेगी सबकी पासपोर्ट वगैरह लगेगी

थे कुछ साल पहले जब वहाँ आए थे तो बहुत सारी चीज़ें अमोन खैर एक चीज़ मेरे लिए जैसे मैं तो दुबई में रहता था तो दुबई में तो लेंथी प्रोसेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है उससे बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कम टाइम में इन शाल आपका लाइसेंस खुल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ईजी है और यही रीजन से हम जहाँ बैठे हैं वी आर ये टू मेक यूर लाइफ ईजियर इसलिए हर चीज़ को हम एंड में इन आपको प्रपेयर करा देंगे